हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड हम ट्रेन। यहाँ पे मैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ 12x42 का। एक मेरे भाई ने मुझे कमेंट किया था, मुझे 12x42 का प्लान चाहिए। मैंने उनके लिए ये डिजाइनिंग की है। अगर आपका भी कोई प्लॉट पड़ा है तो आप इस तरीके से डिजाइनिंग करा सकते हो। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसका साइज है 12x42। मैं आपको इसकी 3D डिजाइनिंग दिखाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते अपने 3D डिजाइनिंग की ओर। वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से देखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा कंप्यूटर बना हुआ है 12x42, पूरा कंप्यूटर बना है। अब मैं आपको इसकी बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ। इसमें बेडरूम कैसे दिए हैं सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहाँ पे किस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले बात आती है मेन गेट की। ये आपका मेन गेट है, सीढ़ियों से ऊपर आना है। यहाँ पे आपका मेन गेट लगेगा, अगर आप लगवाना चाहें तो, नहीं तो आप इस तरीके से लगवा सकते जिस तरीके से बना हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ 5 फीट स्पेस मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको 5 फीट स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे स्पेस मिलने के बाद आपको यहाँ पे मेन गेट मिलेगा रूम के लिए। ये आपकी बैठक है, अगर आप बैठक बनाना चाहें तो बैठक बना सकते हैं, नहीं तो आपका ये बेडरूम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका साइज मैंने दिया है 10x12, 10x12 से साइज है। उसके बाद आपको इस गेट से अंदर आना है। अंदर आने के बाद आपको तुरंत जीना मिल जाएगा। इस तरीके से जीने के नीचे आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, कुछ रख सकते हैं। इस तरीके से आपको जीना मिल जाएगा। 3 फिट का जीना है, 3 फिट का जीना है। उसके बाद आपको यहाँ 4 फिट की गैलरी मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 4 फिट की गैलरी मिलेगी। यहाँ पे आपको किचन मिल जाएगी बहुत ही प्यारी सी। देख सकते हैं, आपको किचन मिल जाएगी बहुत ही प्यारी सी। इसका साइज मैंने दिया है 6x7। किचन का साइज दिया मैंने 6x7। उसके बगल मैंने एक लाइटिंग बाथरूम बहुत ही प्यारी सी दे दी है 7x4 की। 7x4 की एक मैंने लाइटिंग बाथरूम कम्बाइन दी हुई है 7x4। उसके बाद लास्ट में आपको एक और बेडरूम मिल जाएगा 10x12 का, पूरा कंप्लीटेड बना हुआ। यहाँ पे 3 फुट का गेट लगा है, सारे 3-3 फुट के गेट लगे हैं। सिर्फ लैटरिन बाथरूम में लगा हुआ है 2.5 फुट का गेट, बाकी सब में 3-3 फुट के गेट लगे हुए हैं। उसके बाद आपको जीने से ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे तुरंत एक गेट मिल जाएगा, ये देख सकते हो। गेट से आप अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद आपको एक रूम मिलेगा यहाँ पे, ये बहुत ही प्यारा था 10x12 का। ये आपको रूम मिल जाएगा 10x12 का, इसमें खिड़की भी लगी हुई है और नीचे भी खिड़की दी हुई है इस तरीके से। और फिर आपको यहाँ पे 5 फिट स्पेस ये मिलेगा आपको। यहाँ पे कुर्सी उर्सी डाल के आराम से आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, 5 फिट की स्पेस दिया हुआ मैंने। उसके बाद आपको ये 4 फिट की गैलरी मिलेगी, यहाँ पे कंप्लीटेड बनी हुई। यहाँ पे आपको किचन मिल जाएगी बहुत ही प्यारी सी, 6x7, 6x7 की आपको किचन मिल जाएगी। उसके बगल में आपको एक लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड मिल जाएगा 4x7, 4x7 का आपको लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड मिल जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट में एक बेडरूम मिल जाएगा, ये जैसा कि देख सकते हैं आप, 10x12 का पूरा साइज इसका रूम का। लास्ट में आपको बेडरूम मिलेगा 11x11। उसके बाद लास्ट में बात आती है अटिया की। जैसा कि देख सकते हैं, आपकी अटिया कम्प्लीटेड बनी हुई, आपकी अटिया पूरी कम्प्लीटेड बनी हुई। पूरा कंप्लीटेड बना हुआ है 12x42 का, कंप्लीटेड बना हुआ है पूरा नक्शा, देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छी मैंने डिजाइनिंग की है यहाँ पे, कोई कॉस्टली चीज़ यूज नहीं की मैंने यहाँ पे। सब कुछ दीवारों से बना हुआ है, थोड़े बहुत ये पाइप लगे हुए हैं।
बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप भी मुझसे कोई डिजाइनिंग कराना चाहते तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका हौसला नितन कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।